हाय गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि है आईलैश, आईब्रोज या फिर हेयर ग्रोथ के लिए। तो अभी इसके लिए मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट ले लिया है कैस्टर ऑयल। अभी जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल। आप देख सकेंगे मैं एलोवेरा जेल ले चुकी हूँ। आप हर मेरी वीडियो पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरी हर इंग्रेडिएंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होती है और 100% इफेक्टिव चीज़ों को ही मैं अपने DIYs में यूज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, थर्ड इंग्रेडिएंट, वो है विटामिन ई ऑयल। आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर आप लोगों के पास विटामिन ई ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी मेडिसिन स्टोर से विटामिन ई का कैप्सूल खरीद सकते हैं और उस कैप्सूल को कट करके आप उसका जो अंदर का लिक्विड है वो इस पे डाल सकते हैं, या फिर किसी भी DIY पे जहाँ पे विटामिन ई ज़रूरत है वहाँ पे इस विटामिन ई की कैप्सूल को भी आप सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके भी सेम इफेक्ट्स होंगे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मैं अभी यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकेंगे मैंने यूज़ करने के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, या फिर जो एप्लीकेटर कह सकते हैं आप इसे, वो है ये स्पूली। आप किसी भी स्पूली ले सकते हैं। मैंने ये अपना ओल्ड एक मस्कारा का स्पूली था जो मैंने पूरा वॉश करके हर DIYs में यूज़ करने के लिए मैंने इसे रख लिया है। अभी मैं करूँगी जो कि मैंने ऑयल या तीनों जो मिक्सचर बनाया है वो अच्छे से अपनी उंगली की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अभी आप ये मिक्स करने के बाद आप देख सकेंगे ये एक जेल फॉर्म में आ जाएगा, एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। आप साइड से देख ही सकेंगे ये पूरा क्रीम हो गया है। ये एक तरह से भी ऑयल नहीं लग रहा है, या फिर आँखों से गिरने का या फिर आँखों में नहीं रहने का कोई, या फिर आँख के अंदर जाने का कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये जेल फॉर्म में आ चुका है। अभी मैं इस स्पूली की मदद से इस जेल को, आप देख सकेंगे इस स्पूली बहुत ही अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और बहुत ही शार्प है। जैसे कि मेरी हर लैशेज पे अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ले लिया है। अभी ये मैं इसी पेस्ट को, या फिर इस जेल को आप कह सकेंगे, मैं इस पुली पे अच्छे से लगा लूँगी चारों ओर। इवनली मैं लगा लूँगी, मैं लगा रही हूँ। अभी जो एक्सेस है वो मैं इसको रख दिया। अभी इसको मैं जो है अपने आँखों की लैशेज पे फर्स्ट अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और मैंने पहले ही बोल दिया है जेल फॉर्म में है, तो ये आँखों के अंदर जाने का या फिर आँखों से साइड से गिरने का कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप देख सकेंगे मैंने इसको धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को भी बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसको लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, फिर ऐसे ही लगा नहीं देना है जैसे कि सारे लैशेज चिपक जाए या फिर कुछ ख़राब दिखे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको टाइम लेके अच्छे से इसको हर लैशेज पे इवनली स्प्रेड करते हुए जाना है। आप देख सकते हैं अभी से थोड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यूसली 30 डेज तक ये अप्लाई करेंगे तो 30 डेज के दिन आपकी लैश आप खुद पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी ये लैशेज के मैं जो अप्लाई कर रही हूँ वो फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को ज़रा दिखाई नहीं दे रही होंगी इतनी डिफरेंस, लेकिन मैं प्रूफ के लिए मैं दिखा दूँ। मेरी आईब्रोज पे मैं बहुत पहले से अप्लाई कर रही थी और मेरी आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है। मैं बता दूँ इसमें मैंने कोई भी ब्रॉ पेंसिल या फिर कुछ नहीं लगाया है, मेरे आईब्रोज पहले से है बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुके हैं। उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये DIY की वजह से, तो मैंने ये सोच लिया ये DIY मैं अपनी आँखों के लैशेज पे भी अप्लाई करूँगी और इसका रिजल्ट मैं देखूँगी। तो इसीलिए मैंने वीडियो ही बना दिया, क्योंकि फर्स्ट डे पे मैंने वीडियो बना दिया। अभी जो 30 डेज का रिजल्ट है वो आप मेरे थंबनेल पे देख सकेंगे, या फिर किसी भी नेक्स्ट वीडियो पे आप मेरे लैशेज पे गौर फरमाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने लगा दिया है हर एक लैशेज पे, आप देख सकते देंगे ऐसी लग रही है मेरी लैशेस और मेरी आईब्रोज भी, वो तो पहले से ग्रोथ हुए हैं और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएंगे, क्योंकि आईब्रोज जितना भी थिक होगा उतना ही आपकी भी और इनहेंस होगी। तो आप देख सकेंगे मैंने पूरा अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। आप देखेंगे मैंने आँखों के लैशेस पे भी लगा दिया, आईब्रोज पे भी लगा दिया है। अभी मैं थोड़ा सा करीब से भी दिखा दूँ आपको, आप देख सकेंगे अभी से ही थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। और ये मैंने बोल दिया है आप सोने के टाइम पे लगाइएगा रात को, और कंटिन्यूसली 30 डेज तक आपको ये लगाना है, आप स्किप नहीं कर सकेंगे। अगर आप स्किप कर दिए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम यानी कि दिन डेज थोड़ा और लगेगा, लेकिन इफ़ेक्ट आपको ज़रूर दिखेंगे। तो अभी इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड कर, अभी के लिए बाय बाय।